हेलो एवरीवन, मैं राजश्री सिंह जगदम कॉलेज के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और आज मैं आपको लैटिस एनर्जी के बारे में बताऊँगी। लैटिस एनर्जी केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर सेकंड का जो ग्रुप बी है उसके सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है। और इस लेक्चर में हम जानेंगे कि लैटिस एनर्जी क्या होती है, लैटिस एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ इक्वेशन की, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, लैटिस एनर्जी को एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और अंत में हम बात करेंगे बॉन्ड हेबर साइकिल के एप्लीकेशंस की। लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि लैटिस क्या होता है। मान लीजिए एक सोडियम आयन है जो कि गैसियस अवस्था में है, जब इसके साथ क्लोराइड आयन गैसियस अवस्था में मिलता है तब निर्माण होता है NaCl का। और जैसा कि आप देख सकते हैं NaCl क्रिस्टल में ढेर सारे सोडियम और क्लोराइड आयन्स एक निश्चित पैटर्न या अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। इसी पैटर्न या अरेंजमेंट को हम लैटिस बोलते हैं, यानी कि लैटिस को हम बोल सकते हैं लैटिस इज रेगुलर रिपीटेटिव अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स एटम्स और आयन्स इन स्पेस। और जब Na प्लस और Cl माइनस से एक मोल NaCl क्रिस्टल बनता है उस प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको ही हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अब हम देखते हैं कि लैटिस एनर्जी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ अ क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन्स इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। यानी कि जब एक मोल क्रिस्टल अपने कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन से बनता है उस प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो जब सोडियम और क्लोराइड आयन गैसियस अवस्था में मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का निर्माण होता है और इस प्रोसेस में -782 किलो जूल पर मोल एनर्जी इन्वॉल्व होती है। ये जो नेगेटिव साइन है 782 से पहले ये डिनोट करता है कि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लैटिस एनर्जी को हम किलो जूल पर मोल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि इसकी यूनिट है किलो जूल मोल इनवर्स। लैटिस एनर्जी को हम डायरेक्टली किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर नहीं सकते हैं, जिस प्रकार हम तापमान मेजर करने के लिए थर्मामीटर का यूज़ करते हैं उस प्रकार लैटिस एनर्जी को मेजर करने के लिए या मापने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है। लैटिस एनर्जी अगर आपकी ज़्यादा होगी तो आपका क्रिस्टल बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। अब हम देखते हैं कि लैटिस एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लैटिस एनर्जी को बॉन्ड लैंडी इक्वेशन से कैलकुलेट किया जाता है जो इस प्रकार है, यू इक्वल्स माइनस एन ए ए जेड प्लस जेड माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाय एन, जहाँ पे यू जो है आपकी लैटिस एनर्जी है, ए आपका मेडलंग कांस्टेंट है और ये क्रिस्टल के स्ट्रक्चर या क्रिस्टल की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। और मेडलंग कांस्टेंट की वैल्यू हम जितने भी आयंस क्रिस्टल लैटिस में हैं उनके कंट्रीब्यूशंस का सम निकाल करके प्राप्त कर सकते हैं। एन ए अवोगैड्रो कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 6.022 × 10²³ पर मोल। जेड प्लस और जेड माइनस ये चार्जेस आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स पे, यानी कि कैटायन और एनायन पे जो चार्ज है वो। ई आपका है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और इसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10²-12 कूलम्ब स्क्वायर मीटर इनवर्स जूल इनवर्स। आर नॉट इंटर आयनिक डिस्टेंस होता है, आर नॉट इक्वल्स आर प्लस प्लस आर माइनस, जहाँ पे आर प्लस रेडियस है कैटायन का और आर माइनस रेडियस है एनायन का। एन एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड एक्सपोनेंट और बॉन्ड कांस्टेंट, ये आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है।
बॉर्न एक्सपोनेंट या बॉर्न कांस्टेंट की वैल्यू हम कंप्रेसिबिलिटी मेजरमेंट्स जो सॉलिड्स के होते हैं उनसे प्राप्त कर सकते हैं। मेडलंग कांस्टेंट की वैल्यू NaCl क्रिस्टल के लिए 1.747 होती है। ये डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स के लिए अलग अलग होती है। अब इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स जो कि हम बॉन्ड लैंडे इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं या कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है ये हम जानते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर जिस पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है वो है इंटरआयनिक डिस्टेंस, और लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरआयनिक डिस्टेंस के। यानी कि अगर इंटरआयनिक डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो लैटिस एनर्जी घटते जाएगी, या अगर रिवर्स हम देखें तो अगर इंटरआयनिक डिस्टेंस कम होती जाएगी तो लैटिस एनर्जी बढ़ते जाएगी और आपका क्रिस्टल स्टेबल होते जाएगा। क्योंकि इंटरआयनिक डिस्टेंस कैटायन और एनायन के रेडियस पे डिपेंड करता है, उनके साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर आपके आयंस की साइज़ ज़्यादा है तो लैटिस एनर्जी कम होगी, और अगर आपके आयंस की साइज़ कम है या आपके आयंस छोटे हैं तो आपके जो लैटिस एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। एग्जांपल में हम देखें लिथियम फ्लोराइड का इंटरआयनिक डिस्टेंस 2.01 एंगस्ट्रॉम है और इसकी लैटिस एनर्जी 1004 किलो जूल पर मोल है। वहीं सीजियम आयोडाइड का इंटरआयनिक डिस्टेंस 3.95 एंगस्ट्रॉम है और लैटिस एनर्जी इसकी -527 किलो जूल पर मोल है। आप देख सकते हैं क्योंकि लिथियम फ्लोराइड का जो इंटरआयनिक डिस्टेंस है 2.01 है, ये सीजियम आयोडाइड के कंपैरिजन में कम है, इसलिए इसकी लैटिस एनर्जी सीजियम आयोडाइड के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और सीजियम आयोडाइड क्योंकि इसका इंटरआयनिक डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए इसकी लैटिस एनर्जी कम है। अगर हम सेम कैटायन को डिफरेंट एनायंस के साथ देखें तो वो एग्जांपल और अच्छे से क्लियर होगा आपको। जैसे हम अगर मैग्नीशियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम आयोडाइड देखें तो मैग्नीशियम फ्लोराइड की जो लैटिस एनर्जी है -2957 है और मैग्नीशियम आयोडाइड की जो लैटिस एनर्जी है -2327 है। यानी कि मैग्नीशियम आयोडाइड की लैटिस एनर्जी मैग्नीशियम फ्लोराइड से कम है। ये इसलिए क्योंकि जो आपका फ्लोराइड आयन है वो छोटा है आयोडाइड आयन से। तो आपका जो मैग्नीशियम फ्लोराइड में इंटरआयनिक डिस्टेंस होगा वो कम होगा, इसलिए उसकी लैटिस एनर्जी मैग्नीशियम आयोडाइड से ज़्यादा है। नेक्स्ट फैक्टर जिस पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है वो है प्रोडक्ट ऑफ द आयनिक चार्जेस, और लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द आयनिक चार्जेस के। यानी कि अगर आपके आयंस पे चार्जेस ज़्यादा हैं या प्रोडक्ट ऑफ द आयनिक चार्जेस ज़्यादा है तो आपकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर प्रोडक्ट ऑफ द आयनिक चार्जेस कम है तो आपकी लैटिस एनर्जी कम होगी। एग्जांपल में हम देखें लिथियम फ्लोराइड का जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ आयनिक चार्जेस है वो 1 है, क्योंकि लिथियम पे +1 चार्ज है, फ्लोराइड आयन पे -1 चार्ज है, तो प्रोडक्ट ऑफ आयनिक चार्जेस 1 है और इसकी लैटिस एनर्जी 1004 है। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो प्रोडक्ट ऑफ आयनिक चार्जेस है वो 4 है, इसलिए इसकी जो लैटिस एनर्जी है ये लिथियम फ्लोराइड से ज़्यादा है। इसकी वैल्यू -3933 किलो जूल पर मोल है। ये इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम आयन पे +2 चार्ज है और ऑक्साइड आयन पे -2 चार्ज है, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ आयनिक चार्जेस 4 है, जो कि लिथियम फ्लोराइड के केस से ज़्यादा है। इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी लिथियम फ्लोराइड से ज़्यादा है। नेक्स्ट फैक्टर जिस पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है वो है नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स, और लैटिस एनर्जी बढ़ते जाती है अगर आपके नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। क्योंकि जिन आयंस के पास ज़्यादा कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा पोलराइजिंग होते हैं, और पोलराइजेशन अफेक्ट्स लैटिस एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। इसलिए कैडमियम क्लोराइड का जो लैटिस एनर्जी है वो कैल्शियम क्लोराइड से ज़्यादा है।
ये इसलिए क्योंकि कैडमियम के पास 18 कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कैल्शियम आयन के पास केवल 8 कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि इन दोनों की जो आयनिक रेडियाई है या साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो आयन्स हैं जिनकी साइज ऑलमोस्ट सेम है, तो जिस आयन के पास ज़्यादा कोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके क्रिस्टल्स की जो लैटिस एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दैट आयन विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स। लैटिस एनर्जी अगर आपकी हाई होगी तो क्रिस्टल्स आपके हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करेंगे और बहुत हार्ड होंगे, जैसा कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं। लिथियम क्लोराइड से, सोडियम क्लोराइड से पोटेशियम क्लोराइड में जब हम जाते हैं तो हमारी लैटिस एनर्जी घटते जा रही है। ये इसलिए है क्योंकि जब हम लिथियम क्लोराइड से सोडियम क्लोराइड में जा रहे हैं और सोडियम क्लोराइड से पोटेशियम क्लोराइड में जा रहे हैं तो जो कैटायन की साइज है वो बढ़ते जा रही है, इसलिए जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है वो बढ़ते जा रहा है और इसी वजह से जो हमारी लैटिस एनर्जी है वो घटते जा रही है, क्योंकि हमारा मेल्टिंग पॉइंट लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करता है और इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। और जब लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, तो क्योंकि लैटिस एनर्जी हमारी घटती जा रही है लिथियम क्लोराइड से पोटेशियम क्लोराइड में, हम बोल सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट भी हमारा घटते जाना चाहिए। लिथियम क्लोराइड जिसकी सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम सोडियम क्लोराइड का और सबसे कम पोटेशियम क्लोराइड का। लेकिन हम देख सकते हैं कि लिथियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे कम है, ये इसलिए क्योंकि जो लिथियम क्लोराइड है वो कोवलेंट नेचर का है और हम जानते हैं कि लिथियम के कंपाउंड्स कोवलेंट नेचर शो करते हैं। इसी कोवलेंट नेचर की वजह से लिथियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है, उसके हाई लैटिस एनर्जी होने के बावजूद भी उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। आयनिक कंपाउंड्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है। अगर लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का डिफरेंस जो है वो नेगेटिव होगा, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी आपकी ज़्यादा है लैटिस एनर्जी से, तो वो कंपाउंड सॉल्युबल होगा। अगर लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से अगर लैटिस एनर्जी का और हाइड्रेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी आपकी कम है लैटिस एनर्जी से, तो आपका कंपाउंड इनसॉल्युबल होगा। अब हम देखते हैं कि लैटिस एनर्जी को हम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं। लैटिस एनर्जी को एक्सपेरिमेंटली हम नहीं निकाल सकते क्योंकि गैसियस आयंस को आइसोलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, उनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते और इसलिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ जो लैटिस एनर्जी की हम देखते हैं वो बॉर्न हेबर साइकिल से निकाले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक डेटा। अब ये बॉर्न हेबर साइकिल क्या है? तो कोई भी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो भी एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं उसको हम एक साइक्लिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसी साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। ये बॉर्न हेबर साइकिल डिवाइस किया था बॉर्न और हेबर ने, यानी कि उन्होंने डिज़ाइन किया था, बॉर्न और हेबर ने डिज़ाइन किया था बॉर्न हेबर साइकिल। और ये बॉर्न हेबर साइकिल किसी भी क्रिस्टल के लैटिस एनर्जी को दूसरे थर्मोडायनेमिकल डेटा से, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इससे रिलेट करता है। और बॉर्न हेबर साइकिल में जो भी एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस के बिल्डअप में, फॉर एग्जांपल NaCl के क्रिस्टल लैटिस में जो भी एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व होंगे उनको हम स्टेप्स में लेते हैं। और फर्स्ट स्टेप में जो एलिमेंट्स होते हैं वो जो स्टैंडर्ड स्टेट्स में होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं हम गैसियस एटम्स में, और फिर उनको गैसियस एटम्स को कन्वर्ट करते हैं आयंस में, और फिर ये आयंस
क्रिस्टल लैटिस में पैक होते हैं। जो भी एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड हेबर साइकिल में, उनको मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, पॉजिटिव एनर्जी टर्म्स एंड नेगेटिव एनर्जी टर्म्स। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये पॉजिटिव एनर्जी टर्म्स है क्योंकि इन प्रोसेसेस में एनर्जी हमें सिस्टम को देनी पड़ती है, एनर्जी हमें सिस्टम को सप्लाई करनी पड़ती है। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी ये नेगेटिव एनर्जी टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी इज रिलीज बाय द सिस्टम। ये बॉन्ड हेबर साइकिल जो है ये एप्लीकेशन है हेस लॉ का। हेस लॉ ये कहता है कि किसी भी प्रोसेस में जो ओवरऑल एनर्जी चेंज होता है वो बस इनिशियल और फाइनल स्टेट की एनर्जी पे डिपेंड करता है, रूट पर नहीं। यानी कि किस रूट से वो प्रोसेस जा रहा है इस पे नहीं डिपेंड करेगा ओवरऑल एनर्जी चेंज, ये बस डिपेंड करेगा एनर्जी ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इसलिए जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है NaCl के फॉर्मेशन का या किसी भी क्रिस्टल के फॉर्मेशन का, ये सम है सभी एनर्जी टर्म्स का जो कि इन्वॉल्व है उस साइकिल में। जैसा कि हम बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, माइनस डेल्टा एच एफ इक्वल्स डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आई ई प्लस हाफ डेल्टा एच डी माइनस ई ए माइनस यू, जहाँ पे डेल्टा एच एफ है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और सब्लिमेशन एनर्जी, आई ई है आयनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा एच डी है एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन एनर्जी, ई ए है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यू है लैटिस एनर्जी। इस इक्वेशन को ही हम बॉन्ड हेबर साइकिल का इक्वेशन बोलते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि बॉन्ड हेबर साइकिल NaCl का बनाया गया है, और हम सीखेंगे कि कैसे हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने बताया था कि एलिमेंट्स जो स्टैंडर्ड स्टेट्स में हैं उनको हम कन्वर्ट करेंगे गैसियस एटम्स में। तो सोडियम जो है सोडियम मेटल के फॉर्म में पाया जाता है, उसका स्टैंडर्ड स्टेट में वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो फर्स्ट स्टेप है NaS, यानी कि NaS सॉलिड को Na गैसियस, यानी कि गैसियस सोडियम एटम में कन्वर्ट करना है हमें। और क्लोरीन जो है आपका, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में नेचर में पाया जाता है और ये गैसियस स्टेट में रहता है, तो Cl2 के फॉर्म में और गैसियस स्टेट में रहता है। तो फर्स्ट स्टेप है हमें सोडियम जो सॉलिड फॉर्म में है उसको सोडियम एटम इन गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है। तो सॉलिड से गैसियस स्टेट के कन्वर्जन के प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी इन्वॉल्व होगी, जितनी एनर्जी हमें सिस्टम को देनी होगी, उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और सब्लिमेशन एनर्जी। क्योंकि हम एनर्जी यहाँ पे सिस्टम को दे रहे हैं ताकि सोडियम सॉलिड जो है वो सोडियम एटम इन गैसियस स्टेट में चला जाए। ये जो हम एनर्जी सिस्टम को दे रहे हैं, इसलिए डेल्टा एच सब्लिमेशन पॉजिटिव होगा। अब आपने सब्लिमेशन एनर्जी दे दी सिस्टम में, तो आपका जो सोडियम सॉलिड था वो कन्वर्ट हो गया सोडियम गैसियस में। नेक्स्ट स्टेप है, अब आपको ये जो गैसियस सोडियम एटम है इसको कन्वर्ट करना है गैसियस सोडियम आयन में। ये तब होगा जब आप सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तब आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम आयन इन गैसियस स्टेट। तो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं आयनाइजेशन। और इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी हम सिस्टम को देते हैं वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो जब हम आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो हमारा जो सोडियम गैसियस स्टेट में है, सोडियम एटम गैसियस स्टेट में, वो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन के लिए हमें सिस्टम को एनर्जी देनी है, एनर्जी इज टू बी सप्लाइड टू द सिस्टम। तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी टर्म है।
अब हमें सोडियम आयन गैसीय स्टेट में मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन हमें मिला है और हमारे पास Cl2 गैसीय स्टेट में है। अब हमें जो Cl2 मॉलिक्यूल है इससे डिसोशिएट करके एक क्लोरीन आइटम चाहिए, तो इसके लिए हमें एनर्जी सिस्टम को देनी पड़ेगी, और जो एनर्जी हमें सिस्टम को देनी पड़ेगी उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। और क्योंकि हम एनर्जी सिस्टम को दे रहे हैं इसलिए एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन पॉजिटिव होगा, ये एक पॉजिटिव एनर्जी टर्म है। जब हम एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन उतनी एनर्जी दे दिए तो क्या होगा, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है हमारा क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमें हमारे पास है सोडियम आयन गैसीय स्टेट में, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि सोडियम एटम से निकला हुआ है, प्लस क्लोरीन एटम है गैसीय स्टेट में। अब हमें क्लोरीन एटम को क्लोराइड आयन में कन्वर्ट करना है, तब NaCl का फॉर्मेशन होगा। तो किसी भी न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना, जब हम करते ऐड जब करते हैं तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। जहाँ पे आप जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होगी तो वो एनर्जी टर्म नेगेटिव होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। अब हमें क्या मिल गया, सोडियम आयन गैसीय स्टेट में और क्लोराइड आयन गैसीय स्टेट में। ये दोनों आयन सोडियम आयन और क्लोराइड आयन गैसीय स्टेट में जब एक मोल NaCl क्रिस्टल बनाते हैं तो उस प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो लैटिस एनर्जी कहलाती है। क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए लैटिस एनर्जी की वैल्यूज़ भी नेगेटिव होंगी, और क्योंकि हेस लॉ ये बोलता है कि जो ओवरऑल एनर्जी चेंज होगा वो सम होगा सभी जो स्टेप्स होंगे उनका, और वो रूट पे नहीं डिपेंड करेगा और इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करेगा। तो जो डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl क्रिस्टल, वो इक्वल होगा डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डेल्टा एच डी यानी कि एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी। ये हो गया बॉर्नहेबर साइकिल NaCl के लिए। इसी तरह आप दूसरे मॉलिक्यूल्स का भी बॉर्नहेबर साइकिल बना सकते हैं। अब देखिए एप्लीकेशंस ऑफ बॉर्नहेबर साइकिल, बॉर्नहेबर साइकिल के एप्लीकेशंस क्या हैं। जो बॉर्नहेबर साइकिल का इक्वेशन है माइनस डेल्टा एच एफ इक्वल्स डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाफ डेल्टा एच डी माइनस ई ए माइनस यू, ये इस इक्वेशन को आप किसी भी आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर इस इक्वेशन के सभी टर्म्स आपको पता है एक को छोड़ करके, तो जिस एनर्जी टर्म को आप नहीं जानते हैं आपको नहीं पता है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ आयंस के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी आप बॉर्नहेबर साइकिल की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस साइनाइड आयन NaCl का बॉर्नहेबर साइकिल है उससे कैलकुलेट किया जा सकता है। और इस प्रकार एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड आयन 29 किलो जूल पर मोल पाया गया है। ये बॉर्नहेबर साइकिल का इक्वेशन जो है ये किसी भी आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी डिसाइड करने में हमें मदद करता है। इसकी मदद से हम बता सकते हैं कि कोई कंपाउंड स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। जैसे स्टेबल आयनिक कंपाउंड्स के लिए जो डेल्टा एच एफ है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो नेगेटिव होना चाहिए, और ये तभी नेगेटिव होगा जब एक्सोथर्मिक स्टेप्स जो होंगे उसकी मैग्नीट्यूड एंडोथर्मिक स्टेप्स से ज़्यादा होगी। यानी कि हमारे सिस्टम वो जो प्रोसेस हम जिससे वो क्रिस्टल बनेगा उस प्रोसेस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और कम एनर्जी हमें सिस्टम को देनी पड़े। जो भी कोई कंपाउंड बन रहा है तो उसके बनने में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो
और हमें कम एनर्जी सिस्टम को देनी पड़े, तभी वो कंपाउंड स्टेबल होगा। हम डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से कंपेयर कर सकते हैं, की मदद से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे डेल्टा एच एफ यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर ज़्यादा नेगेटिव है तो किसी कंपाउंड के लिए, तो वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, और अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड कम है तो वो कंपाउंड लेस स्टेबल होगा। एग्जांपल में हम देखें मैग्नीशियम क्लोराइड का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, MgCl2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -611 है, जबकि MgCl का -62 है, यानी कि MgCl2 ज़्यादा स्टेबल है MgCl से, जबकि MgCl3 की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो पॉजिटिव वैल्यू है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो एग्जिस्ट करेगा MgCl2 के फॉर्म में, क्योंकि MgCl2 के केस में जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, इसलिए मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, नॉट एज MgCl और MgCl3। जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मैग्नीशियम MgCl3 के लिए पॉजिटिव है, ये डिनोट करता है कि ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, और क्योंकि इस प्रोसेस में हमें ज़्यादा एनर्जी इस सिस्टम को देनी पड़ रही है, तो वैसा कंपाउंड नहीं बनेगा जिसमें हमें ज़्यादा एनर्जी सिस्टम को देनी पड़े। तो डेल्टा एच एफ की वैल्यू हमें बता सकती है कि कोई कंपाउंड स्टेबल होगा या कम स्टेबल होगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर डेल्टा एच एफ की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा और वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये MgCl3 की वैल्यू पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होता है मैग्नीशियम का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के केस में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो फुल्ली फिल्ड सेकंड शेल से निकलता है, इसलिए डेल्टा एच एफ की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इसलिए MgCl3 फॉर्म नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आज हमने ये जाना कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ ए क्रिस्टल इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट गैसेस आयंस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से, और इसकी यूनिट्स हैं किलो जूल पर मोल। लैटिस एनर्जी को हम बॉन्ड लैंडे इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट करते हैं। लैटिस एनर्जी प्रोडक्ट ऑफ द आयनिक चार्जेस पे डिपेंड करता है और इंटर आयनिक डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर चार्ज आयंस पे बढ़ते जाएगा तो आपकी लैटिस एनर्जी बढ़ते जाएगी, अगर इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ेगा ये तब बढ़ेगा जब आपके आयंस की साइज बढ़ेगी, तब आपकी लैटिस एनर्जी घटेगी, यानी कि इंटर आयनिक डिस्टेंस और लैटिस एनर्जी में इन्वर्स रिलेशन है। अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से तो कंपाउंड आपका इनसॉल्युबल होगा, अगर लैटिस एनर्जी कम है हाइड्रेशन एनर्जी से तो कंपाउंड आपका सॉल्युबल होगा। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ जो हैं हम लैटिस एनर्जी की वो बॉर्नहेबर साइकिल से निकालते हैं, और अगर हमारा लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो हमारा क्रिस्टल स्टेबल होगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। कोई क्वेरीज या कमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।